नमस्कार दोस्तों, एक न्यूज ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और वो न्यूज है सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है एक्सिस बैंक और आईटीसी लिमिटेड में। जी हाँ, दो दिग्गज कंपनियां, इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचना चाहती है। इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कि सरकार का इस हिस्सेदारी बेचने से फायदा क्या है, हमें इन शेयर्स में बने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, और ऐसा सरकार क्यों कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, तो अंत तक इसको जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे सबका अधिकार है। दोस्तों, घर बैठे हैं, लॉकडाउन का समय है, और अगर आप फ्रेशर हैं या आप चाहते हैं निवेश का मौका तलाशना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 ट्रेडिशनल कम डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है, उसमें जाइए, अपना अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि ये स्टेक सेल है क्या। दोस्तों, एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए तो एक्सिस बैंक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कुल मिलाकर 130,000 लोग काम करते हैं। जब ये साल शुरू हुआ था तो एक्सिस बैंक का भाव 750 रुपए के आसपास था। कोविड-19 के चलते हुए कोरोना वायरस ने बाजार को दहला दिया और ये स्टॉक 47% के आसपास तक गिर गया। यही हाल कुछ आईटीसी का भी हुआ, आईटीसी भी काफी ज्यादा गिरा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर बैंकिंग और एफएमसीजी के शेयर्स पे भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने खाना पीना बैंकिंग छोड़ दिया है, बट मोर देन 50-60% इसकी डिमांड में कमी आई है और इसी की वजह से ये दो दिग्गज कंपनियां भी गिरी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार इन दो कंपनियों में अपना हिस्सेदारी क्यों बेच रही है। चलिए सरकार की उस न्यूज के ऊपर जाते हैं जहां सरकार ने ये कहा था कि हम अपनी जितनी भी स्टेट रन सब्सिडरीज हैं या स्टेट रन कंपनीज हैं उनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक और आईटीसी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। दोस्तों, सरकार ने जो निवेश किया हुआ आईटीसी और एक्सिस बैंक में वो किया है SUUTI के माध्यम से, जिसे हम जानते हैं स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आईटीसी में सरकार का जो निवेश है वो 7.94% है और एक्सिस बैंक में सरकार का 4.69% के आसपास है। बीते दिनों सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी कि सरकार इन सभी कंपनियों में से अपनी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है और जिसके तहत सरकार 210,000 करोड़ रुपए को इकट्ठा करेगी। अब इस डील से कितने पैसे निकलने के आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल में आपको पता लग ही गया होगा कि 22,123 करोड़ की डील है, और अगर IDBI और LIC में बेचे जाने वाली हिस्सेदारी की बात करें तो वो कुल मिलाकर 90,000 करोड़ के आसपास की है। 90,000 + 22,000, मोटा मोटा 110,000 करोड़, 210,000 करोड़ की सरकार को हिस्सेदारी बेचनी है। और ऐसे ही कदम हो सकते हैं सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी सरकारी सब्सिडरीज में से अपने हिस्से को बेचे। दोस्तों, FMCG और बैंक्स, ये किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी हो सकती है, किसी भी इकोनॉमी का आईना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हमेशा रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये वायरस सिस्टम से जाएगा ही नहीं। जी हाँ, एक दिन जरूर आएगा, चाहे 2 महीने बाद 4 महीने बाद सिस्टम क्योर होंगे, बीमारी का इलाज होगा, उस समय लोग बैंकिंग की तरफ ही जाएंगे। जहां यस बैंक की नेटवर्थ 25,000 करोड़ के आसपास और उसका जो NPA रेशियो है वो 19% के आसपास है, जो किसी समय पे 2% हुआ करता। और अगर एक्सिस बैंक की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में NPA का रेशियो 5.26 था, वो गिर के 4.86% हुआ है, मतलब NPA में घटोतरी हुई। दोस्तों, ये एक अच्छा साइन है। हालांकि 4.86% भी बहुत हैवी है, इतना आसान नहीं है, ये नंबर भी बड़ा है, बट लगता है कि इस पे काबू पा लिया जाएगा। और अगर सरकार 210,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाती है तो फिर से एक अच्छा सा स्टिमुलस पैकेज बाजार में लेके आ जाएगा, इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए फिर से अच्छे कदम उठाए जाएंगे, सही समझी नीति के तहत काम किया जाएगा और ये कदम आगे बहुत अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं। जिन निवेशकों ने एक्सिस बैंक और आईटीसी में ऊंचे भाव पे निवेश किया हुआ है और अभी 30-40% का पोर्टफोलियो उनका डाउन है, वो सोच रहे होंगे मुझे इन शेयर्स में बने रहना चाहिए या मुझे निकल जाना चाहिए, सरकार बेच रही है तो क्या मुझे भी निकल जाना चाहिए। दोस्तों, अगर सरकार किसी में से निकल रही होती इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो कंपनी खराब होगी। अगर आपको पुराने दिनों में लेके जाऊं तो मारुति, जो आज की मारुति है, जो मारुति सुजुकी के नाम से आप जानते हैं, वो एक समय पे सरकारी कंपनी हुआ करती थी, और जब सरकार ने अपना निवेश उसमें से बेचा, जब वो कंपनी प्राइवेट हुई, तो उसके बाद उसका भाव आप देख सकते हैं। तो सरकार का किसी भी कंपनी से निकलने का मकसद फंड रेजिंग होता है, ना कि उस कंपनी से भाग जाना। सरकार किसी भी कंपनी को ऐसे खस्ता हालत में नहीं बेचती है, और एक्सिस बैंक और आईटीसी का नाम अच्छी कंपनी में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो 40% 50% डाउन है तो याद कीजिए वॉरेन बफेट की स्टेटमेंट, इफ यू कैनॉट सी योर पोर्टफोलियो डाउन बाय 50% यू डो नॉट हैव एनी राइट टू सेल टू द मार्केट्स, सो दिस इज द राइट टाइम टू एवरेज। दोस्तों, 50% पे आपको एवरेज जरूर करना चाहिए,
और अगर नीचे जाने की वेट करना चाहते हैं, आपको लगता है मार्केट और नीचे जा सकती है, जैसा दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस का इंपैक्ट अगर मान लीजिए और 4-6 महीने चला, तो हो सकता है 2 क्वार्टर में इनकी सेल्स को भी डाउन आना पड़ेगा, तो हो सकता है वहां पे आपको एक अच्छी एवरेज करने का मौका मिले। दोस्तों ऐसे में आपको लॉस में बेचने के बजाय एक अच्छा वापस से री एंट्री का मौका देखना चाहिए, जहां बेहतरीन एवरेज का विकल्प तलाश सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके काम आई होगी और इसमें आप डिसीजन ले पाएंगे कि ITC और एक्सिस बैंक में आपको निकल जाना चाहिए या उसमें निवेश बढ़ा देना चाहिए। मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना वायरस का संकट पूरे विश्व से बहुत जल्दी खत्म होगा और हम सब उससे निजात पाएंगे। और ऐसा होते ही सबसे पहली जो चाल पकड़ने वाली है वो दो ही फील्ड होने वाली है दोस्तों, एक तो बैंकिंग और दूसरा FMCG। जी हाँ, जब लोग सड़कों पर आएंगे, लोगों का लॉकडाउन खत्म होगा, तो FMCG की डिमांड बढ़ेगी, ITC की खासकर, हिंदुस्तान लेवल की खासकर, और एक्सिस बैंक जैसे बैंकों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन अभी प्रेस कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आपके सामने लेके आता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।